बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आज क्या पकाएं। मैं हमने बहुत ही मज़ेदार सी चना चाट तैयार की है, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। एक कप चने बॉईल करके रख लिए थे, जो इस वक्त ठंडे हैं। दो दरमियाने साइज़ के हमारे पास आलू थे, हमने वो बॉईल किए हैं। इसमें चाट मसाला जाएगा, कुटी मिर्च जाएगी, इमली का पल्प जाएगा, हरी मिर्च और धनिया भी जाएगा, हरा धनिया और प्याज जाएगी इसमें ऑमलेट कट। हसब ज़रूरत हम 2-3 खाने के चम्मच इसमें दही के भी शामिल करेंगे। सॉल्ट जाएगा, हमने छोले को बॉईल जो किया तो इसमें भी थोड़ा सा नमक डाला है ताकि हमारे छोले अंदर से फीके फीके ना रहें। हमें सॉल्ट का इस्तेमाल देख के करना अपने घर के हिसाब से, क्योंकि चाट मसाला भी जाएगा, इसमें भी सॉल्ट है। तो बस हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें छोले शामिल करेंगे। फिर हम सॉल्ट शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून सॉल्ट को भी मिक्स करेंगे। चाट मसाला 1 टीस्पून के करीब डालेंगे। प्याज जो हमने आमलेट की तरह काटी है वो इसको शामिल कर देंगे। छोले हमारे ठंडे हैं, बहुत ही मज़ेदार से और ये छोले तैयार होंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें भुना पिसा ज़ीरा शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसकी। हरी मिर्च शामिल कर दी हमने, इमली का पल्प 2 से 3 खाने के चम्मच या जितना आप खट्टा रखें, और 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। आलू भी शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारी मज़ेदार सी ये चाट तैयार हो जाएगी। 3 से 4 खाने के चम्मच हम इसमें दही फेंट के शामिल करेंगे और पापड़ी हम सर्विंग टाइम पे शामिल करेंगे, क्योंकि वो सादी हो जाएगी। और टमाटर भी हमने बीज निकाल लिए हैं, उनको हम बाद में क्यूब की शक्ल में काटा है टमाटर को, और हम उसको बाद में शामिल करेंगे। अभी इसको मिक्स कर देते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी जायकेदार हमारी बाज़ार की जैसी चना चाट तैयार हुई है। इसमें हम कैबेज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं शामिल किए, वो हम जब सर्विंग टाइम हो तो उस वक्त डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर है। अब इसमें हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। और हमारी मज़ेदार सी चना चाट तैयार हो गई है, जो कि हर घर में तकरीबन बनती है। पकोड़े और चना चाट के बग़ैर तो इफ्तार मुकम्मल नहीं होता, तो इसीलिए मैंने ये चना चाट तैयार की है कि आप इफ्तार में आराम से ये सारी चीज़ें आप बॉईल करके रख लें, आलू बॉईल के रख करके रख लें, चने वगैरह पोषण में बना के रख लें, जब आपका बनाने का प्रोग्राम हो आप निकालें उनको, और ये मसाले इस तरह से शामिल करें, प्याज काटें फौरन फौरन, हरा धनिया, हरी मिर्च, इमली, तकरीबन लोग बना के पका के रखते हैं इमली की चटनी, आपको शामिल करें। चाट मसाला हर घर में मौजूद होता है, तो इस तरह से हमारी मज़ेदार सी यमी चाट तैयार हो जाएगी। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।